हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वान स्टडी। हम लोग अपना लीनियर अरेंजमेंट का टॉपिक इस टाइम पर कर रहे हैं। मैं ऑलरेडी आपको लीनियर अरेंजमेंट के 3 लेक्चर्स करवा चुकी हूँ, जिसमें मैंने इसके डिफरेंट टाइप्स आपके साथ डिस्कस की हैं। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप ये वीडियो देखने से पहले वो वीडियोज़ देख लीजिए, अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे जो भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उन्हें भी जाकर फॉलो कर लीजिए। इनकी सबकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। मैं अभी तक आपको साइलॉगिज्म करवा चुकी हूँ, इनपुट आउटपुट भी करवा चुकी हूँ और अब मैं आपको पजल्स करवा रही हूँ। आपको कोई भी क्वेरी हो इस लेक्चर से रिलेटेड तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, और अगर इन जनरल कोई क्वेरी हो तो आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, देखिए हम लोग अपनी क्लासेस फ्री में अवेल करवाते हैं। हर दिन आपके लिए 2 बजे दोपहर को मैथ्स की क्लास और 6 बजे शाम को रीजनिंग की क्लास होती है, और सुबह 8 बजे DI की क्लास ऑल्टरनेट डेज पर होती है। आज का देख लेते हैं। देखिए मैं आपको अभी लीनियर अरेंजमेंट पे सिंगल रो में अगर नॉर्थ साउथ में बैठे हैं और डबल रो करवा चुकी हूँ, आज मैं उसी से रिलेटेड कुछ पजल्स आपको करवाऊंगी, ठीक है? तो पजल कैसे सॉल्व करते हैं फटाफट पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट स्टेटमेंट्स को देख लेंगे, फिर नेगेटिव स्टेटमेंट्स को अलग से पॉइंट आउट कर लेंगे। जो भी स्टेटमेंट्स हैं उन्हें सिंप्लीफाइड फॉर्म में शॉर्ट नोटेशन में लिख लेंगे, ठीक है? उसके बाद जितनी पॉसिबिलिटीज होती होंगी वो सब ड्रॉ करेंगे एक एक करके। जैसे जैसे आप पजल में बढ़ते जाएंगे आपकी पॉसिबिलिटीज कैंसिल होती जाएंगी, एंड बाय द एंड ऑफ द पजल आपके पास सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बच जाएगी जिससे आपके सारे आंसर्स निकलते होंगे। तो ये हम देख लेते हैं पजल। ये पजल मैंने आपको लास्ट लेक्चर में दी थी होमवर्क के तौर पर, और क्योंकि मैंने लास्ट लेक्चर में इसी टाइप की एक पजल समझाई थी तो मैं ये पजल आपको अभी नहीं समझा रही हूँ, ठीक है? तो अगर आप में से किसी को भी इस पजल को समझना होगा तो आप मुझे कमेंट में कर दीजिएगा। अगर मैक्सिमम कमेंट्स होंगे तो मैं ये पजल आपको समझा दूंगी। ये रहा इसका सोल्यूशन। आई होप आपको अगर आपने किया है तो आपका सोल्यूशन सही निकला होगा। आज की पजल को देख लेते हैं। तो देखिए आज हम फिर एक पजल करेंगे जिसमें कुछ लोग नॉर्थ में बैठे हैं और कुछ लोग साउथ में बैठे हैं, ठीक है? फटाफट से आप इस पजल को पढ़ लीजिए ताकि फिर हम लोग साथ में मिलके इस पजल को बना सकें। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करती हूँ पजल बनाना। सबसे पहले मैं शॉर्ट नोटेशंस लिख लूंगी। आपने पीछे पढ़ा होगा कि 8 पर्संस है तो उसे याद रखिएगा आप। देखिए एस जो है वो नॉर्थ में बैठा है, ठीक है? टू पीपल सिट बिटवीन सिट टू द राइट ऑफ एस, तो एस के जो राइट पे दो ही लोग बैठे हैं। टी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस, तो मैं यहीं पे बना लूंगी। टी थर्ड लेफ्ट पे बैठा है और एस के राइट पे बैठा है, ठीक है? एस के राइट पे दो लोग बैठे हैं और टी जो है, क्योंकि हमें पता है कि एस नॉर्थ में बैठा है तो उसके हिसाब से हमने बना लिया। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन टी एंड एक्स, तो मैंने ये टी और एक्स बना लिया क्योंकि मुझे नहीं पता कि टी पहले बैठेगा कि एक्स, ठीक है? एक्स सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू W के इमीडिएट राइट पर कौन बैठेगा? X, ठीक है? आई होप आपने ये लिख ली होंगी। मैं इसे हटा देती हूँ, नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं। नेक्स्ट लाइन देखिए, बोथ द ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन W एंड Z, ठीक है? बोथ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ T फेस द सेम डायरेक्शन, तो T अगर यहाँ पर है तो या तो ये दोनों ऐसे होंगे या ये दोनों ऐसे होंगे, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, टी फेसेस ऑपोजिट डायरेक्शन एज एस, एस हमें पता था ऑलरेडी नॉर्थ है तो टी क्या होगा? साउथ होगा, ठीक है? वाई डज नॉट सिट एट द एक्सट्रीम एंड्स, तो वाई जो है वो एंड पर नहीं बैठा हुआ है, ठीक है?
उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। V faces the same direction as W, तो V और W, क्योंकि हमें दोनों की डायरेक्शन नहीं पता है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ सेम डायरेक्शन, ठीक है। और W एंड Y एंड U फेस द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ Z, Y एंड U फेस ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ Z। ये हमने बना लिए सारे के सारे, ठीक है। आई होप आपने भी ये कहीं पे नोटेशंस लिख ली होंगी। तो अब हम अपनी पजल को शुरू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? हमने बनाया हुआ था ना कि S जो है, S के राइट पर सिर्फ दो ही लोग बैठे हैं, तो ये रहा S, और S के लेफ्ट में, यहाँ पर थर्ड लेफ्ट में T बैठा हुआ है। तो ये मैंने बना दिया T और S को, ठीक है। अब आगे देखिए, उसके बाद उन्होंने बोला था ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन टी एंड एक्स, और एक्स सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ डब्ल्यू। तो अब क्योंकि एस के इस साइड पर तो कोई नहीं बैठ सकता, तो इस साइड पर ही हम पजल को बनाएंगे। तो देखिए कितने लोग बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये आ गया 7 और ये 8, इतने ही लोग बैठेंगे इस रो में, ठीक है। तो अब हम बनाते हैं, एक्स सिट्स द इमीडिएट राइट ऑफ डब्ल्यू, और टी और एक्स के बीच में एक इंसान है, एक पर्सन है। तो अगर हम एक्स को यहाँ बनाते हैं, ठीक है, तो हमारे पास दो बन जाएंगे ना पॉसिबिलिटीज, या तो ये, या तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर मैंने बना दिया एस को, ठीक है। ये मैंने बनाया टी, और यहाँ पर या तो मैं एक्स को यहाँ लिख सकती हूँ, या तो यहाँ लिख सकती हूँ, ठीक है। यहाँ पे रख सकते हैं, यहाँ पे रख सकते हैं। तो अब देखिए, W के इमीडिएट राइट पर X बैठा है, तो W के अगर तो W यहाँ पर है, तो W ऐसे देख रहा होगा, तभी नॉर्थ में देखेगा, तभी X उसके राइट पे बैठेगा। और अगर W यहाँ पर इमीडिएट में बैठेगा, तो W की डायरेक्शन यहाँ पे साउथ हो जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं, वन पर्सन सिट बिटवीन W एंड Z, तो इस हिसाब से यहाँ पर Z आ गया, और यहाँ पे Z आ गया, ठीक है। बोथ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ टी फेस द सेम डायरेक्शन, तो अगर W की डायरेक्शन ये है, तो Z की डायरेक्शन भी यही हो जाएगी, और यहाँ पर भी Z की डायरेक्शन साउथ हो जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, यू सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एक्स, एक्स के थर्ड लेफ्ट पे यू बैठेगा, ठीक है। तो एक्स के थर्ड लेफ्ट पे यू, अब ऊपर वाली अगर आप पॉसिबिलिटी में देखेंगे, तो अब क्योंकि एक्स तो एक्सट्रीम पे बैठ गया है ना, तो अगर 1 2 3, तो थर्ड पर कुछ भी नहीं आ सकता, तो दैट मींस ये पॉसिबिलिटी हमारी रॉन्ग हो गई। तो हम अपनी नीचे वाली पॉसिबिलिटी के साथ कंटिन्यू करेंगे, तो मैं इसे हटा देती हूँ। देखिए ये वाली पॉसिबिलिटी जो है हमारी, ये रॉन्ग हो गई, इसे हटा देती हूँ मैं फटाफट से, और वापस से जितना हमने किया था वो बना लेते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा था कि ये हमारा एस है, यहाँ पर दो पर्सन हैं, यहाँ पर दो पर्सन छोड़कर टी बैठा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर एक्स है, यहाँ पे डब्ल्यू है, तो डब्ल्यू नॉर्थ में है इस हिसाब से, यहाँ पर जी बैठा था, और यहाँ पे कोई नहीं है, ठीक है। तो ये हमारी पजल वही आ गई जहाँ तक अभी तक हमने किया है। अब हम आराम से यू को बिठा सकते हैं एक्स के थर्ड, क्या लिखा हुआ, लेफ्ट लिखा है कि राइट लिखा है, पढ़ लेते हैं।
यू सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एक्स, तो एक्स के लेफ्ट में। अब यहाँ पे आप देखिए एक बारी, 1 2 3, तो इस साइड पर तो बैठ ही नहीं सकता, ठीक है, तो दूसरी साइड पे ही हम बनाएंगे। तो u हमारा बैठ गया है यहाँ पर, अगर u हमारा यहाँ पे बैठा है और x का लेफ्ट है ये, तो x हमारा साउथ में देख रहा होगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं, t फेस द ऑपोजिट डायरेक्शन एज s, तो s अगर नॉर्थ में बैठा है तो t साउथ में बैठा है, ठीक है। आगे चलते हैं, y किसी भी एक्सट्रीम एंड पे नहीं बैठा है, तो y कहाँ बैठ गया हमारा, यहाँ पे, क्योंकि एक ही जगह खाली है एक्सट्रीम एंड को छोड़कर। तो v faces the same direction as w, w का direction north है, तो v की जगह ही यहाँ पर बच गई है, तो v भी north में देख रहा है। उसके बाद देखिए, both y and u face the opposite direction as z, तो y और u दोनों south में देख रहे हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया हो कि ये पज़ल कैसे बनानी है। जो भी स्टूडेंट्स जो हैं, जो मेरे से पूछ रहे थे कि मैम इसे फास्ट कैसे करना होता है, तो आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि फटाफट से आपको शॉर्ट नोटेशंस बनानी है, ताकि आपको पैराग्राफ में बार बार ये देखना नहीं पड़े। शॉर्ट नोटेशंस को देख देख के आपको अपनी पज़ल को फिट करना है, और पॉसिबिलिटी आपकी कैंसिल होती जाएगी आहिस्ता आहिस्ता, और एक ही पॉसिबिलिटी बनेगी जो आपकी करेक्ट हो जाएगी, जैसे हमारी यहाँ पर करेक्ट हो गई है, ठीक है। तो हम अपने क्वेश्चंस को फटाफट से देख लेते हैं। आप देखिए, हाउ मेनी पर्सन इन द गिवन अरेंजमेंट आर फेसिंग नॉर्थ, तो कितने हैं, 1 2 3 4, तो 4 विल बी द आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन अ सर्टेन वे सो फॉर्म अ ग्रुप, तो देखिए इनमें से कौन सा है जो जो चार जो हैं वो एक जैसे हैं और एक ही है जो ऑड वन आउट है। तो देख लेते हैं, W एंड X, तो अभी तक तो हम इससे कुछ जज नहीं कर सकते, पहले हमें सारे ऑप्शंस को देखना पड़ेगा। Z एंड Y, T एंड S, T एंड Y, तो देखिए यहाँ पर क्या लॉजिक बन रहा है। देखिए W और X दोनों डिफरेंट डायरेक्शंस में हैं, ओके। Z एंड Y दोनों डिफरेंट डायरेक्शंस में हैं, ओके। T एंड S दोनों डिफरेंट डायरेक्शंस में हैं, राइट। T और Y सेम डायरेक्शन में आ गए हैं, और लास्ट वाला भी देख लेते हैं, V और U, दिस इज V एंड U डिफरेंट डायरेक्शन, तो दैट मीन्स D विल बी द करेक्ट आंसर, ओके। क्योंकि ये हमारे दोनों सेम डायरेक्शन में, बाकी सब जो हैं पेयर जो बना हुआ है वो डिफरेंट डायरेक्शंस में हैं। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू जी, तो देखिए एक्स रहा हमारा ये, जी रहा ये, जी नॉर्थ में देख रहा है, तो जी का ये क्या बन गया हमारा लेफ्ट, राइट। Z का हमारा ये क्या बना, राइट, ठीक है, राइट बन गया। तो 1 2 3, X इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ Z, तो हमारा ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू जिसके होता है ना, उसको देख के दूसरे की पोजीशन निकालनी होती है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, हु अमंगस्ट द फॉलोइंग सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन जी एंड डब्ल्यू, जी और डब्ल्यू के बीच में कौन बैठा है, क्लियरली दिख रहा है कि हमारा टी बैठा हुआ है, तो टी विल बी द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ टी, तो टी साउथ में देख रहा है, तो टी का राइट ये होगा, लेफ्ट ये होगा, तो टी के सेकेंड राइट पे कौन बैठा है, वी, तो बी ऑप्शन, दैट मीन्स वी विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये हो गया हम आपका आज का पजल सॉल्व। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको कोई सजेशंस हैं इन पजल्स को लेकर, तो वो भी मैं वेलकम करूँगी, आप प्लीज़ कॉमेंट्स में मुझे बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच, एंड कीप स्टडिंग हार्ड।